हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पटेल ऑटो इलेक्ट्रिशियन। आज अपने पास वेगनर के सीरीज, इसमें सीएनजी का लाइट ब्लिंक हो रहा है, कन्वर्ट नहीं हो रहा है सीएनजी में, और सीएनजी का लाइट भी आ रहा है देखिए क्लस्टर में। तो पहले इसको स्कैन करते, स्कैन पे क्या फोल्ड आ रहा है ना, वो हिसाब से काम करेंगे। देखिए फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर का है ये, सीएनजी में आ रहा है फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर। चलिए बताते हैं आपको, तो पहले इसका जो फिल्टर है ना ये खोल लेते। फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर जो सीएनजी का होता है ना, वो पीछे होता है, वो बता दें आपको। अब जो फोल्ड आ रहा है स्कैन पे उसी का आ रहा है। चलिए फिल्टर तो निकल गया, और जो फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर जो होता है ना सीएनजी का, वो ये होता है, ये वाला जो फोल्ड आ रहा है इसी का आ रहा है। और इसमें वायरिंग भी थोड़ा टेप मार के रखा हुआ है, तो हो सकता है यहाँ से लूज कॉन्टेक्ट हो। टेप फोल्ड लेते हैं इसका, देखिए जो स्कैनिंग पे फोल्ड आ रहा बता रहा है ना, जो इसी का है। और ये इंजन हीट होता है ना, तो यहाँ से वायरिंग अक्सर वायर वगैरह कड़क हो जाता है। देखिए इसका वायर ब्रेक है, देखिए ये जो दिख रहा है ना, ये ग्लू वगैरह लगा के रखा हुआ है, पहले जुगाड़ किया हुआ है, पहले से टूटा होगा ना, तो उसका जुगाड़ किया हुआ है। इसका वायर टूटा हुआ है रेगुलेटर का, इसी का फोल्ड आ रहा है। इसी की वजह से ही वो सीएनजी का जो स्पैंडल का लाइट आ रहा है और सीएनजी कन्वर्ट नहीं हो रहा है, सीएनजी का लाइट ब्लिंक हो रहा है। अगर सीएनजी में कुछ भी फोल्ड कूट आएगा ना, तो फोल्ड कोड के हिसाब से फिर वो कन्वर्ट ही नहीं होगा। इसको सॉकेट निकाल के पिन वगैरह चेक कर लेते हैं, अगर ये रिपेयर होगा तो इसी में पिन वगैरह रिपेयर करके लगाएंगे। देखिए वायर कैसे जुगाड़, देखिए कैसा किया हुआ है, यहाँ से ऊपर से डाल के ये अंदर से लगाया हुआ है, तो ऐसे नहीं करना है, जिसे ओरिजिनल होता है ना वैसे ही। ये सॉकेट तो अभी अवेलेबल नहीं होगा, तो कोई ट्राई करते इसको पिन वगैरह निकाल के इसी में लगाने का, वायर नया लगा देंगे। तो देखिए अगर ऐसा कुछ चिमटा वगैरह होगा ना बारी, तो जैसे लॉक प्रेस करेंगे ना तो एक क्लिप निकल जाता है, दोनों साइड लॉक होता है। ये देखिए तो पिन आ गया पास, तो ये ओरिजिनल पिन है, इसी को ओपन करके लगाएंगे वायर ज्वाइन करके इसमें, तो हो जाएगा, ओरिजिनल ही हो जाएगा। दूसरा पिन देखते निकल रहा है, ऐसा फेल होना चाहिए जो क्लिप का लॉक होता है ना, वो जब प्रेस करेंगे ना तो जैसे लॉक प्रेस होगा और पुश करेंगे ना तो क्लिप निकल जाता है। थोड़ा संभाल के करना होता है, सॉकेट हार्ड हो जाती ना तो टूट जाती है सॉकेट, तो सॉकेट चेंज ही करना पड़ता है। अभी सॉकेट वगैरह अवेलेबल तो है नहीं। देखिए सेकंड वाला क्लिप ही निकल गया, अभी इसी क्लिप में लगाएंगे, न्यू वायर डालेंगे। देखिए ये दोनों क्लिप है, अभी ये क्लिप को ओपन करके लगा, इसमें वायर ज्वाइन कर दिए न्यू वायर, अभी क्लिप फिर से लॉक हो जाएगी सॉकेट में। देखिए लॉक हो गई, अब इसमें दो वायर लगाए, ग्रीन और ऑरेंज। देखते इसको कंप्लीट करते, फिर एक बार स्कैन करके क्लियर करते फोल्ड कोड, प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है।
इसको ठीक से ज्वाइंट करना होगा। ज्वाइन करके अच्छे से टेपिंग करेंगे ताकि दोबारा फॉल्ट ना हो। देखिए ये हो गया, पिन वगैरह लगा के कंप्लीट हो गया, पिन वगैरह भी एकदम प्रॉपर आ गई है। देखिए तो थोड़ा गैप दिखेगा उसको, है ना, पिन से थोड़ा हार्ड कर देना क्लिप को चिमटे से। थोड़ा चौड़ा दिख रहा है उसके, तो प्रेस कर करके ना क्लिप टाइट कर देंगे ना। देखिए पहले ऊपर से वायर डाला हुआ था यहाँ से, वो सब हटा के जैसा ओरिजिनल होता है वैसे ही कर दिए, बस इसमें ओरिजिनल पिन पे हो गया है। अभी एक बार स्टार्ट करके चेक कर लेते, स्कैन भी कर लेते और एक बार। देखिए अभी जो फॉल्ट करता है हिस्ट्री में चला गया, पहले करंट में था, ये देखिए हिस्ट्री में चला गया फ्यूल प्रेशर का, फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर का। अब इसको क्लियर कर लेते एक बार। देखिए नो डीटीसी है, ये नॉर्मल हो गया ये। अभी स्टार्ट करके एक बार चेक कर लेते इसको। देखिए सीएनजी का जो स्पैंडल का लाइट था वो भी चला गया। देखिए अभी कार स्टार्ट है, अभी ये ब्लिंक हो रहा है, कुछ टाइम में ये कन्वर्ट हो जाएगा सीएनजी में। थोड़ा एक्सीलेटर देंगे ना तो सीएनजी में कन्वर्ट हो जाता है, थोड़ा रेस देना होता है। देखिए अभी हो गया सीएनजी में कन्वर्ट, पहले ये ब्लिंक हो रहा था, कन्वर्ट ही नहीं हो रहा था और इंजन भी इतना मिसिंग हो रहा था। अभी देखिए एकदम परफेक्ट हो गया। चलिए आपको एक बार बाहर से भी दिखाते, पहले इंजन बहुत हिल रहा था, मिसिंग हो रहा था, अभी देखिए एकदम परफेक्ट है, पूरा कंप्लीट हो गया, कवर फिल्टर वगैरह लगा के। अब एक बार फाइनली स्टार्ट करके चेक कर लेते। एसी में ऑन करके देखते, पहले एसी चल ही नहीं पा रही थी, इतना मिसिंग हो रहा था, चल ही नहीं पा रही थी एसी। अभी देखिए एकदम परफेक्ट है, कूलिंग वगैरह एकदम सही है और सीएनजी में भी कन्वर्ट हो गया। क्या देखिए एकदम परफेक्ट है। और क्लस्टर में भी देखिए कोई शेक टाइप वगैरह नहीं है, एकदम नॉर्मल हो गया। तो आज जो प्रॉब्लम था आपके साथ मैं शेयर किया फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।